शासन प्रशासन लाख दावे करे कि किसानों के हित में जमीनी स्तर पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में शासन प्रशासन के विकास के दावे झूठे साबित होते दिखाई दे रहे हैं। गांव मोखा पिल्लिया के किसान शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को निवेदन आवेदन करते हुए थक चुके हैं, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई, जिस पश्चात किसानों ने स्वयं के खर्चे से एक अस्थायी स्टॉप डैम का निर्माण कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं बागली विधानसभा की ग्राम पंचायत मोखा पिल्लिया की, जहां से निकली काली सिंध नदी के 7 नालिया स्थान पर किसान लगभग 15 वर्षों से पक्के स्टॉप डैम निर्माण की मांग शासन प्रशासन व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। काली सिंध नदी पर एक अस्थायी रूप से कच्चा डैम बनाया गया है, तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला इस जो अभी हमने कच्चा डैम बनाया है, इसकी हम विगत 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं स्थायी डैम बनाने की। शासन प्रशासन, विधायक, सांसद सभी को अवगत करा दिया है, कई बार उनको आवेदन दे दिया है, पंचायत से 10 चक्कर ठहराव प्रस्ताव भेज दिया है, पर आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और सिंचाई विभाग को बोलते हैं तो उनने फाइल अभी उज्जैन गई है, भोपाल भेज दी है, ऐसी प्रक्रिया वो बताते हैं, हम भी लगे हुए हैं उसमें, हर चक्कर उनको अवगत कराते रहते हैं, तो उसी तारतम्य में हमने फिर वो नहीं बन पाया, इसलिए हमने अभी कच्चा डैम का निर्माण किया है। तो हम आसपास के जो 20-25 किसान हैं, हमने सभी ने मिलकर एक कच्चा डैम का निर्माण किया है और इसमें करीब 1-1.25 लाख रुपये खर्चा हुआ है, जो सभी किसान मिलकर इसका भुगतान करेंगे। कुछ सहयोग पंचायत से भी मिला है, बाकी किसान सब सहयोग करेंगे इसमें। क्या फ़ायदा है किसानों को इस डैम से? इस डैम से किसानों को बहुत फ़ायदा है, यहाँ से करीब अभी 1 किलोमीटर पानी भरा हुआ है इसका, और इससे करीब 120-130 किसान जुड़े हुए हैं, तो सभी को इससे फ़ायदा है। ये पानी अभी करीब 1 महीना तक इसमें रहेगा, और 1 महीने के बाद जब ये और पानी इसमें भरा रहेगा, तो ये जनवरी फरवरी तक आसपास के कुएं, ट्यूबवेल सब में पानी इसका रिचार्ज होगा, तो इससे सभी किसानों को फ़ायदा है। पिपलिया जान, पिपलिया साहब और अमरपुरा तक के किसानों को इससे फ़ायदा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।